Fatehpuri Masjid, Delhi. Fatehpuri Masjid, Chandni Chowk ke paschimi kinare par qayam hai. Desh ka sabse ahem hissa, Delhi, aur Delhi shahar ko apni maujoodgi se roshan karta, Fatehpuri Masjid. जैसा मस्जिद का नाम है वैसा ही खूबसूरत कारीगरी का बेमिसाल नमूना पेश करती है इस मस्जिद की बनावट। मस्जिद को 1650 में फतेहपुरी बेगम के द्वारा बनवाया गया था, जो शाहजहां की पत्नियों में से एक थी। मस्जिद बनाने का इस्लाम मजहब से बहुत सबाब है। हदीस में कहा गया है कि जो शख्स अल्लाह ताला की खुशी तलाश करने के लिए मस्जिद बनवाएगा, उसके लिए खुदा जन्नत में मस्जिद बनवाएगा। मस्जिद का हर हिस्सा यहाँ आने वालों का मन पाकियत और खूबसूरती से भर देता है। मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है, जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाती है। पूरी दिल्ली में यही मस्जिद एक गुंबद वाली सामूहिक मस्जिद है। हालांकि बाहर से देखने पर यह काफी छोटी लगती है, लेकिन इसके भीतर दाखिल होने पर काफी बड़ी इमारत नजर आती है। यहाँ के इमाम साहब फतेहपुरी मस्जिद और इस्लाम मजहब के बारे में कुछ बातों पर रोशनी डालते हैं। शाहजहां ने जो लाल किला बनवाया और जामा मस्जिद बनवाई और फिर फतेहपुरी मस्जिद को बनवाया, तो ये फतेहपुरी महल के नाम से है या फतेहपुरी बेगम के नाम से है, जो शाहजहां की वाइफ होती थी। तो 1650 ईस्वी के अंदर जब लाल किला बना है, उसी टाइम पर फतेहपुरी मस्जिद बनी है, और उसी वक्त से इस मस्जिद को न सिर्फ ये कि दिल्ली के अंदर बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर भी जाना जाता है। ये मस्जिद रूहानी एतबार से, मजहबी एतबार से और फतेहपुरी मस्जिद के सहन के अंदर जो एक बड़ा अहाता है, दरगाह है, उसके अंदर कुछ बुज़ुर्गों के मज़ार हैं, तो कहा जा सकता है कि फतेहपुरी मस्जिद पहले ही दिन से ये रूहानियत और नूरानियत से जुड़ी हुई है, और तकरीबन 400 बरस से इस फतेहपुरी मस्जिद का जो नाम है वो सारी दुनिया में है, और सारी दुनिया के लोग अकीदत की निगाह से फतेहपुरी मस्जिद से वाबस्ता हैं। ।1650 में बनवाई गई इस मस्जिद को अंग्रेजों ने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद नीलाम कर दिया था, जिसे राय लाला चुन्नामल ने मात्र 19,000 रुपए में खरीद लिया था। जिनके वंशज आज भी चांदनी चौक में चुन्नामल हवेली में रहते हैं, जिन्होंने इस मस्जिद को संभाले रखा था। बाद में 1877 में सरकार ने इसे चार गांवों के बदले वापस अपने कब्जे में कर मुसलमानों को दे दिया, जब उन्हें दिल्ली में रहने का दोबारा हक दिया गया था। और तब से ये मस्जिद बिना किसी रुकावट के सदियों से अल्लाह के बंदों की हाजिरी का गवाह बनी हुई है। वर्षों से यहाँ इस्लाम की सीख दी जा रही है। बड़े बूढ़े बच्चे सभी नेक नियत बांध अल्लाह को नमाज अदा कर, सुरा पढ़ कुरान ए पाक की तलावत कर अपने आप को जन्नत का दावेदार बनाते हैं। कुरान पाक बहुत ही रहमतों और बरकतों वाली किताब है। इसके अरबी मतन को पढ़ना, सुनना और देखना सब सवाब है, लेकिन साथ ही ये मुसलमानों के लिए रहबर और रहनुमा भी है। कुरान पाक ईमान के बाद अमल की किताब है। एक मुसलमान होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, कौन कौन से काम हमें करने चाहिए और क्या नहीं, ये सब अल्लाह ने कुराने पाक के जरिए हम इंसानों को बताया है।
और हर मुसलमान को ये जरूरी है कि कुरान में फरमाए नियम कायदों को अपनी रोजाना की जिंदगी में अमल में लाए और खुद को अल्लाह का करीबी बनाए। फतेहपुरी मस्जिद की तामीर की खूबसूरती और सफाई काबिले तारीफ है। चारों तरफ पाकिस्तगी और सुकून का माहौल यहाँ आने वालों को खुश कर देता है। फतेहपुरी मस्जिद में बहुत बड़ा नमाज अदा करने का अहाता है, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। अजान के कुछ समय बाद सभी नमाजी वज़ुक्र नमाज के लिए हाजिर हो जाते हैं। ईमान के बाद नमाज तमाम फराइज में बहुत ही अहम और सबसे बढ़कर है और तमाम इबादतों की सरदार है। नमाज इस्लाम का सुतून है और दीन की बुनियाद है। कुरान मजीद और अहादीस इसकी अहमियत और फजीलत के बयान से मालामाल हैं। इसकी अहमियत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि कुरान पाक में 67 जगह पर नमाज का जिक्र आया है। कुरान पाक की आयत और अहादीस से जहां ये मालूम होता है कि नमाज पढ़ना फर्ज है और उसकी कितनी अहमियत है। फतेहपुरी मस्जिद के भीतर एक दीवार पर नमाज के सही और गलत तरीकों की तस्वीरें लगी हैं, जिससे कोई भी नमाजी नमाज के दौरान गलती ना करे और सही तरीके से नमाज अदा करे। नमाज के बारे में शैबुल ईमान फरमाते हैं कि इस्लाम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक महबूब चीज वक्त पर नमाज पढ़ना है और जिसने नमाज छोड़ी उसका कोई दीन नहीं, नमाज दीन का सुतून है। नमाज में अल्लाह की तारीफ की जाती है, अल्लाह से नेक हिदायत और रहमतें मांगी जाती हैं। मस्जिद में परंपरागत डिजाइन बनी हुई है और मस्जिद में नमाज अदा किए जाने वाले बरामदे में 7 धनुष के आकार के खुले गुंबद हैं। मस्जिद की बीच की मेहराब 7 बाकी मेहराबों में सबसे बड़ी है। मस्जिद के दोनों ओर 1 मंजिला और 2 मंजिला इमारतें बनी हुई हैं। मस्जिद के 3 दरवाजे हैं। सभी मीनारों और दरवाजों पर बहुत ही खूबसूरत कारीगरी की गई है। फतेहपुरी मस्जिद का पहला दरवाजा लाल किले के सामने और दूसरा और तीसरा दरवाजा मस्जिद के उत्तर और दक्षिण में लगे हैं। नमाजियों के साथ ही मस्जिद में बहुत से मुस्लिम भाई कुरान भी पढ़ा करते हैं। कुरान की तिलावत सबसे अफजल है। कुरान पढ़ने वाले खास अल्लाह वाले होते हैं। कहा गया है कि सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला कुरान पढ़ने वालों की ओर सबसे पहले ध्यान देते हैं। बस कुरान शरीफ की तिलावत के लिए यही कहा जा सकता है कि खुद अल्लाह ताला इस पवित्र कुरान की तारीफ करता है। फिर हम लोगों की जुबान व कलम में क्या ताकत है कि इसकी खूबियों और बरकतों का एक हिस्सा भी बयान कर सकें। कुरान में कहा गया है कि खुदा तुम पर किसी तरह की तंगी नहीं करना चाहता, बल्कि ये चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नमतें तुम पर पूरी करे। खुदा फरमाते हैं कि अगर तुम नमाज पढ़ते और जकात देते रहोगे और पैगंबरों पर ईमान लाओगे और उनकी मदद करोगे तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दूंगा और तुमको बहिश्तों में दाखिल करूंगा। फतेहपुरी मस्जिद में इस्लाम के 2 त्योहार ईद-उल-फितर और ईद-उल-जुहा बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर जलवे और हजारों की तादाद में लोग मस्जिद में शिरकत फरमाते हैं।
फतेहपुरी मस्जिद के अन्य निकट आकर्षणों में लाल किला और जामा मस्जिद है। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार खारी बाबली भी इसी क्षेत्र के आसपास स्थित है। रेल मार्ग के मामले में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली के तीन महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं, जिससे दिल्ली शहर भारत के मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद जैसे खास और बाकी आम सभी शहरों से जुड़ा हुआ है, जिससे बहुत ही आसानी से लोग यहाँ पहुँचते हैं। दिल्ली सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से भी भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। कश्मीरी गेट, सराय काले खां और आनंद विहार में तीन प्रमुख अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस है। सरकारी और निजी ट्रांसपोर्ट की बसें हमेशा यहां आने वालों की खिदमत में हाजिर रहती हैं। लोग चाहें तो वे यहां से सरकारी और निजी टैक्सी सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं। दिल्ली भारत के और सभी प्रमुख विदेशी शहरों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ा हुआ है। लगभग सभी प्रमुख एयरलाइंस नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अपनी फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं। डोमेस्टिक एयरपोर्ट दिल्ली को भारत के प्रमुख शहरों से जोड़ता है, जिससे लोग चंद मिनटों या घंटों में ही भारत या बाहरी देश के किसी भी कोने से दिल्ली आकर यहाँ की खास जगहों का दीदार करते हैं और अल्लाह के बंदे मस्जिद में आकर अपने खुदा की इबादत कर अपने जहान को रोशन करते हैं।